बिसम रिमल आज की एटी एटी सिक्स माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन विद कैरी ठीक है तो सबसे पहले एडिशन विद कैरी की इंस्ट्रक्शन हम लोग आ, देख लेते हैं कि कैसे एडिशन विद कैरी इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करेंगे आ, तो एडिशन हम लोग सिंपली एडिशन परफॉर्म करते हैं हम लोग दो ऑपरेंड्स को आपस में ऐड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं एक्स और बी एक्स को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा एड की इंस्ट्रक्शन एड स्पेस के बाद हम लोग क्या करेंगे पहले डेस्टिनेशन देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सोर्स करेंगे ये करेगा क्या डेस्टिनेशन प्लस सोर्स परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को कहां पे स्टोर कर देगा डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा ठीक है अब फॉर एग्जांपल मैं क्या यूज uh, करना चाह रहा हूं मैं ए एक्स और बी एक्स को ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं सिंपली एड एक्स और बी एक्स लिख दूंगा एड एक्स कॉमा बी एक्स तो ये आपस में क्या हो जाएंगे एड add, एडिशन इनकी परफॉर्म हो जाएगी अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आर्किटेक्चर हमारा 16 बिट का है और हम लोग एडिशन करना चाहते हैं थर्टी टू बेट की तो उसके अंदर मेरे पास एक नंबर है मैं कहता हूँ वन टू सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये एक्जैक्ट एचम में तो ये हमारे पास थर्टी टू बेट नंबर है और दूसरा नंबर मैं कह देता हूँ कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब ये दो नंबर है इनको हम लोग आपस में ऐड करना चाहते हैं ठीक है ये दोनों एग्जैक्ट एसीमल में अब मैं जब इनको ऐड करता हूँ ठीक है ऐड करने से ये मैं एक नंबर को ए एक्स के अंदर रख देता हूँ दूसरे नंबर को मैं बी एक्स के अंदर रख देता हूँ ठीक है तो इन दोनों को अभी जो मैंने ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज की उनसे मैं ऐड कर सकता हूँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या जनरेट हो जाए हमारे पास कैरी जनरेट हो जाए ठीक है कि कैरी की वैल्यू हमारे पास वन हो या कैरी की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास जीरो हो सकती है इसके बाद जब हम लोगों ने एडिशन करनी है तो हम लोगों ने इस नंबर को और इस नंबर को जब आपस में एड अप करना है तो ऐड अप करते वक्त हमें क्या चाहिए हमें कैरी को भी इसके साथ क्या देखना पड़ेगा अगर कैरी की वैल्यू वन है तो उसको भी हम लोगों ने ऐड करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडिशन विद कैरी एडीसी एडिशन विद कैरी अब ये सिंपली क्या करेगा इसके बाद स्पेस के बाद डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स आपके पास आ जाता है सोर्स uh, की वैल्यू आप लोग उठाते हैं प्लस डेस्टिनेशन की वैल्यू उठाते हैं प्लस प्लस वन परफॉर्म करते हैं ठीक है सॉरी प्लस वन मैंने यहाँ पे बोल दिया प्लस कैरी का जो आप लोगों की वेटेज होती है उसको आप लोग एडअप करते हैं इस रिजल्टेंट के साथ और उसको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं डेस्टिनेशन में स्टोर कर देते हैं ठीक है कैरी की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास वन हो सकती है या क्या हो सकती है हमारे पास जीरो हो सकती है ठीक है अब इसी को मैं क्या करता हूँ इंप्लीमेंट करता हूँ इमुलेटर uh, के अंदर यही एग्जाम्पल ले कर मैं इनको आपस में एडअप कर देता हूँ और कैरी की वैल्यू भी देखेंगे uh, कि वो यूज़ हो रही है कैसे हो रही है ठीक है तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं ये दो नंबर उठा लेते हैं और इनको हम लोग रजिस्टर्स के अंदर प्लेस कर देते हैं uh, अब उसके लिए मैं एक्स और बी एक्स तो मैंने इन दोनों को कह दिया कि ये ए एक्स और बी एक्स के अंदर ये स्टोर होंगे ठीक है अब उसके बाद मैं कहता हूँ Uh, कि ये वाली वैल्यू हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे सी एक्स के अंदर और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी एक्स के अंदर ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इन वैल्यूज को मूव कर लेते हैं तो वो अब मैं कोडिंग परफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मूव कर रहे हैं ए एक्स के अंदर हम लोग वैल्यू मूव कर रहे हैं और जो कि है फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है ये वैल्यू मूव कर दी और फिर हम लोग मूव कर रहे हैं बी एक्स के अंदर फोर थ्री टू वन सॉरी यहाँ पे स्पेस आएगा और कॉमा यूज होगा uh, इसके साथ एच आ जाएगा ठीक है फर्दर uh, हम लोग मूव करेंगे वैल्यू सी एक्स के अंदर मूव सी एक्स कॉमा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर हमारे पास आ गई वैल्यू और डीएक्स के अंदर हम लोग वैल्यू मूव कर देंगे ठीक है डी एक्स कॉमा एट सेवन सिक्स फाइव ठीक है ये चारों वैल्यूज मूव करने के बाद अब सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे एडिशन की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और एक्स और बी एक्स को आपस में अप कर देते हैं तो हम लोग सिंपल एड की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं एड ए एक्स ए एक्समा बीएक्स यह आपस में एड कर दिया हम लोगों ने और रिजल्टेंट हमारे पास ए एक्स के अंदर आ गया फर्दर हम लोग अगर एड करना चाह रहे हैं सी एक्स और डी एक्स को तो साथ हमने कैरी को भी देखना पड़ेगा

तो फोर थ्री टू वन हमारे पास मूव हो गई थर्ड इंस्ट्रक्शन वन टू थ्री फोर और फोर्थ इंस्ट्रक्शन एट सेवन सिक्स फाइव हमारे पास वैल्यूज मूव होगी ठीक है फर्दर एड होने के बाद रिजल्टेंट कहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स के अंदर आ गया इसके साथ देखें हमारे पास फ्लैग्स इस एग्जाम्पल में हमारे पास कोई कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ ठीक है तो कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वैल्यूज जब एग्जीक्यूट होगी तो दोनों वैल्यू सिंपल आपस में ऐड होंगी और कैरी की वैल्यू जीरो है और आपके पास देखें दोनों में रिजल्टेंट क्या आ गया नाइन 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 आ गया ठीक है और रिजल्टेंट डी के अंदर स्टोर हो गया फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ एक ऐसी वैल्यू यूज कर लेता हूँ जहाँ से हमारे पास कैरी जनरेट होगा ठीक है तो ये जो हमारे पास नाइन 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 वैल्यू है ये हमारे पास चेंज हो जाएगी जो डी के अंदर यूज कर रहे हैं तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है से उससे पहले मैं क्या यूज कर रहा हूँ सॉरी उससे पहले मैंने जीरो लगा दी ठीक है अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ साथ में फ्लैग्स के स्टेटस भी देख लेता हूँ ये हम लोगों ने डाटा मूवमेंट परफॉर्म की और दो वैल्यूज को आपस में अब हम लोग ऐड करने जा रहे हैं ठीक है ए एक्स और डी एक्स को और रिजल्टेंट एक्स के अंदर आ जाएगा देखें जैसे ही मैंने ऐड की तो हमारे पास क्या आ गया उसके साथ कैरी भी जनरेट हो गई ठीक है फर्दर हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग सी एक्स और डी एक्स की वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं रिजल्टेंट हमारे पास नाइन 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 आना चाहिए प्लस वन भी इस दफा होगा ठीक है इसका मतलब है नाइन 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 ए आना चाहिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कैरी का जो वेट था वो एडिशन में यूज हुआ और हमारे पास रिजल्ट नाइन 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 ए आ गया होपफुली आप लोगों के एडिशन विद कैरी की इंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज